मेरा नाम ऋषि सिंह और ये फिल्म बहुत अच्छी है क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी है और पहली बात तो आप सब लोगों का धन्यवाद। तो ऋषि, फर्स्ट प्रोजेक्ट है आपका ये प्रोजेक्ट किया आपने, और कुछ अपने बारे में बताइए, इससे पहले क्या करते थे, कैसे एक्टिंग में आना हुआ आपका? इससे पहले मेरा अपना थोड़ा काम था, और फिल्म के निर्माता और निर्देशक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? डायरेक्टर साहब को तो धन्यवाद बोलूँगा, सबको धन्यवाद बोलूँगा, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एडिटर, हमारे म्यूजिक सर, सबको धन्यवाद बोलूँगा। फिल्म की वजह से आज मुझे पहला मौका मिला है। आप मैम पर्चे दीजिए, अपने बताइए क्या कहना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में, कैसे जुड़ी हैं और कितने खुशी? वेरी वंडरफुल, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम ऋषिका सिंह है, आई एम मेकिंग द लीड रोल इन दिस मूवी। सो आई मस्ट से थैंक्स, स्पेशल थैंक्स टू माय डायरेक्टर मिस्टर वासुदेव जी, माय राइटर मिस्टर अरुण जी, माय प्रोड्यूसर मिस्टर राहुल जी एंड अरुण वर्मा जी, माय डीओपी मिस्टर यूसुफ खान जी, माय म्यूजिक डायरेक्टर मिस्टर परमानंद भतवा जी एंड माई कास्टिंग डायरेक्टर मिस निशा खान जी। और ये जो मूवी है वो वीर फिल्म इंटरटेनमेंट के बैनर तले बन रही है, और मैं वंस अगेन थैंक्स बोलूँगी और आभारी हूँ कि उन लोगों ने मुझे इस फिल्म में काम करने का गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिया है। तो अगर बात करें इस मूवी की, तो मूवी का नाम आप सभी लोग जानते हैं, रात्रि है, और हॉरर मूवी है, बट ये इस मूवी में आपको यूनिक पॉइंट्स मिलेंगे देखने के लिए। और ये मूवी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे शूट होगी, और बता दूँ कि ये मूवी नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगी इसकी शूटिंग, और लोकेशन है गोवा, अहमदाबाद, सूरत, मुंबई। सो जस्ट वेट एंड वॉच, और अपना प्यार इस तरह देते रहिएगा। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट है आपका, इससे पहले कोई? हाँ सर, सेकेंड प्रोजेक्ट है ये मेरा। फर्स्ट प्रोजेक्ट मेरा गर्ल्स बिजी लाइफ है, जो अभी प्रोसेस पे है एडिटिंग के। तो एक्टिंग करियर में आने कैसे हुआ, क्या किया इससे पहले? सर स्टार्टिंग तो मैंने थिएटर से किया, फिर मैं मॉडलिंग में एंटर की, और मॉडलिंग और एक्टिंग चलता रहा। थिएटर शोज़ मैंने काफ़ी किए हुए हैं, कुछ एक एड वीडियो भी किया हुआ है, एड शूट भी किया हुआ है। सो ऐसे मेरा चलता रहा, सो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पहले तो मुबारकबाद चौंका, फिल्म का मुहूर्त है आज रात्रि का, क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में और कितने उत्साहित इस फिल्म को लेकर? First of all, I would like to thank to the electronic media and print media for coming here to for covering this event called Ratri. This is an horror film, but with a different point, which is not came yet. फिल्म के आर्टिस्ट का नाम जानना चाहूँगा, जो आपने आर्टिस्ट लिया ऋषि जी और ऋषिका जी, उनके बारे में जानना चाहूँगा कि किस आधार पर उनको लिया आपने? या अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर वी हैव चूजन एदर ऋषि और ऋषिका सिंह, अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर। तो दिस इज फर्स्ट फिल्म डायरेक्टर, और बिफोर दैट यू? या दिस इज माय डेब्यूटेंट फिल्म। अच्छा। आई वर्कड इन तमिल इंडस्ट्री एंड एज वेल एज तेलुगु इंडस्ट्री एज इन डिफरेंट डेजिग्नेशंस, असिस्टेंट, एसोसिएट, को डायरेक्टर। ओके, क्या स्टोरी क्या होगी इसके अंदर? क्या स्टोरी? दिस इज टू अर्ली टू रिवील अबाउट द स्टोरी। वेरी सून इन आवर नेक्स्ट मीटिंग आई विल डेफिनेटली नरेट एंड आई विल स्क्रीन ए प्रीव्यू फॉर मीडिया, बोथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया। वी विल बी अरेंजिंग स्क्रीनिंग। यू हैव एक्सपीरियंस साउथ इंडस्ट्री में, एक्सपीरियंस है आपको? Recently, Saho film, Saho, the trailer was launched. Prabhas is coming in Hindi films. Mm-hmm. What kind of positive step do you think for the Hindi industry? Sorry, I don't get you. Positive? Positive, Prabhas is coming in the Hindi industry. You are from South. Mm-hmm. Okay. So, कितनी अच्छी बात है कि वो हिंदी इंडस्ट्री का हिस्सा बनने वाले हैं, एक साउथ इंडियन एक्टर। Definitely, because it's something like everybody's dream to work in Bollywood. Because this is the biggest industry in India. Bollywood is the biggest dream, and I am very fortunate enough, and I feel very happy and proud because for the first time Bollywood is giving me an opportunity. So I have to remember till the end of my journey. Aman ji, aap bataiye kya karna chahenge is film ke bare mein?
क्या आप बहुत यंग हैं, पहली बार आप ये फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं? कोई प्रोड्यूस कर रहे हैं पहली बार ये फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं? अच्छा, और क्या मतलब खास वजह रही इस फिल्म को प्रोड्यूस करने की? ये खास वजह नहीं, हम और अरुण सर हम लोग काफ़ी समय से, अच्छा 5-7 साल से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। क्या देखिए, हाँ 5-7 साल से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, तो हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो हम लोग कहें कि कुछ ना कुछ बनाते हैं, इस बार बड़ा करते हैं, अच्छा। तो इसलिए हम लोग सर, अरुण सर जी और मैं, तो इस मूवी को चांस दिया। और सर इस मूवी का राइटर है, सर राइटर, तो सर ने ही लिखा ये स्टोरी, तो हम और अरुण सर दोनों मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सर बताइए क्या मतलब, थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए कि किस तरह का ये स्टोरी लाइन होगा। सो इसके बारे में तो मैं आप लोगों को क्लोजिंग रखना चाहता हूँ, क्योंकि अगर सभी लोग डरते हैं, जो भी राइटर होंगे या प्रोड्यूसरिंग करने वाले होंगे, जो फिल्म का बैलेंस करें, जो भी फिल्म बनाते हैं, वो ये जानते हैं कि अगर हम पहले से ही उनको थोड़ा सा कंपोज हिंट करेंगे तो स्वाभाविक है कि वो लोग होशियार है, मीडिया वाले भी है और आप लोग भी काफ़ी। तो मैं पब्लिक को ये एक क्लोज रखना चाहता हूँ और मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ कि ये फिल्म आप लोगों को काफ़ी पसंद आई। और भी बहुत हॉरर फिल्में बन चुकी हैं, हाँ। की उनसे क्या अलग होगा इसमें? नहीं, इसमें कुछ तो यूनिक होगा ना, जो आप लोग पैसे लगाने के लिए तैयार हुए? बिल्कुल बिल्कुल, इस फिल्म में जो है हॉरर तो काफ़ी बनती है, ये बस सत्य है, काफ़ी लोग हॉरर और दिलचस्प भी हैं, लेकिन इसमें डिफिकल्ट बात ये है कि हॉरर ये रात्रि जो सब है रात्रि, तो सुनने में आता है कि जो भी कुछ घटनाएँ घटती हैं या कुछ भी होता है तो अधिकतर वो रात्रि में ही होता है, और मैं इस रात्रि में आप लोगों को कुछ अलग ही दिखाना चाहता हूँ, और वो मालूम है कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। और खासकर मैं एक बात बता सकता हूँ, देखिए इंडियन सिनेमा कम अप्रोक्सीमेटली 1836 से कब से शुरू हुआ है, आज तक हमारा बॉलीवुड में बहुत सारे इनोवेशंस एज वेल एज इन द फॉर्मेट ऑफ स्क्रिप्ट भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स के साथ आए हैं, बहुत सारे हिंदी पिक्चर भी, हॉरर पिक्चर्स भी बहुत सारे आए, फिर भी हम लोग कर रहे हैं, फिर भी बोले तो एक पॉइंट होता है। जरूर एक पॉइंट है, वो तो आज तक नहीं आया अभी तक नहीं आया, वो पॉइंट जो है सुपर ऑडियंस को डेफिनेटली एक एंटरटेनमेंट देगा, जरूर थिएटर तक पब्लिक आएगी। नहीं, वो तो पिक्चर को, वो पिक्चर ही एक ऐसी है ये जो कि रियल में जब से फिल्म इंडस्ट्री पे हॉरर मूवी बनी है तब से लेके आज तक का रिकॉर्ड है कि नहीं, जो नहीं, हम तो बना रहे हैं ये पॉइंट को नहीं लेते, हाँ। अगर ऐसा ही होता तो हम लोग नहीं लेते ये कुछ है। एंड वन मोर पॉइंट एंड आई विल आंसर टू यू, माय पहले से ऐसा डिसाइड हो गया कि कल मैं भी इतना डिपार्टमेंट में काम करने के बाद कल मैं भी एक पिक्चर बनूँ तो वो कहीं रिलीज होगा नहीं होगा बोल के, ये रिलीज कैसे होता है वो भी पढ़ेगा, फिर से पांच फिल्में मैंने रिलीज़ किया तेलुगु में, वो कौन सा फिल्म है? मलयालम का, तमिल का, रिलीज टू तेलुगु। सो दिस इज द फिल्म आई एम वर्किंग एज अ डायरेक्टर, सो देर इज नथिंग टू वरी फॉर मी टू रिलीज इन तेलुगु, एंड कम से कम 150 थिएटर्स में मैं रिलीज कर सकता हूँ तेलुगु में, तेलुगु एंड तेलंगाना लैंग्वेज तेलुगु में डब करेंगे इस फिल्म को, तेलुगु तमिल में स्ट्रेट बनेगी हिंदी फिल्म एंड विल बी डब्ड इनटू तेलुगु। अच्छा, इसका लोकेशन कहाँ का रखा गया है? हाँ, वेरी गुड, एक अच्छा फील होने के लिए, एक सब्जेक्ट हॉरर फिल्म है तो उसी तरह का लोकेशन, हाँ, इसीलिए इसको डिफरेंट लोकेशन चुना है, डिफरेंट लोकेशन उससे भी लोकेशन बोल सकते हैं, एक गोवा, एक सूरत, अभी तक जो फिल्म कवर नहीं किया है वो फिल्म वो लोकेशंस कवर किया, हमारा लाइन प्रोड्यूसर भी बहुत अच्छा लोकेशंस दिखाए, उसी लोकेशंस में जाके फिर 6 लोकेशंस कम से कम, गोवा, सूरत, MP एंड हैदराबाद एंड मुंबई। कुछ इसमें ग्लैमर का भी तड़का रहेगा क्या, कोई आइटम सॉन्ग? दिस इज बिकॉज सी दिस इज ये फिल्म बन रहा है प्योरली कमर्शियल, ये तो आर्ट फिल्म नहीं है, ये तो कोई अवार्ड फिल्म नहीं है, ये तो प्योरली कमर्शियल। व्हाई? बिकॉज
माई प्रोड्यूसर्स आर गोइंग टू इन्वेस्ट नियरली अप टू 1 crore. तो 1 crore कैसे आएगा, मैं समझाया था इन लोगों को कि फिर मैं रिलीज़ किया था 5 पिक्चर इन मोर देन 150 थिएटर्स में. रिलीज़ करते समय मुझे बहुत सारा विषय के बारे में पता चला कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए. जब हम डिपार्टमेंट में काम करते तो बस हमें जो कुछ भी काम दिया होता है वही काम करते हैं. अच्छा, शूटिंग कब से स्टार्ट कर रहे हैं आप इस फिल्म? नॉट मोर देन फर्स्ट वीक ऑफ द नेक्स्ट मंथ. कंप्लीट किए हैं? कितने दिन का शेड्यूल बना रखा हुआ है? शेड्यूल तो 45 डेज है. एक दो दिन ज़्यादा होने से हो सकता है, मगर शेड्यूल का तो 45 डेज है. अच्छा, स्टार कास्ट कोई मार्केट की नहीं है सबसे बड़ी चीज़? रिस्क होता है कि स्टार कास्ट नहीं है मार्केट की, फिर भी इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं. दैट्स व्हाट आई सेड. व्हाटएवर द एक्सपीरियंस आई एम हैविंग इन रिलीजिंग 5 पिक्चर्स, आई नो व्हाट द कमर्शियल पॉइंट वन शुड हैव. इसीलिए फिर भी आर्टिस्ट लोग को चूज करने में एक ही पॉइंट है. अगर ये पिक्चर लव स्टोरी हो तो जानने वाले नॉन फेसेस शुड बी हैव, बट दिस इज हॉरर फिल्म, सो आई डोंट थिंक ऑडियंस विल माइंड ऑफ न्यू कमर और ए नॉन पर्सन. अच्छा, चलते चलते सिर्फ इतना बता दीजिए, इसमें डराने वाली फीमेल रहेगी या बॉय रहेगा, लड़का या लड़की? ये इतना तो जब से हिस्ट्री शुरू हुआ है इसमें क्या आप बोल रहे हैं कुछ चेंज? गुस्सा मत दिखाइए. जब से शुरू हुआ है ये हिस्ट्री जो है, भूत बोले तो फीमेल ही होते हैं, नो मेल. आप बोले कुछ डिफरेंट दिखाने वाले हैं. पॉइंट तो डिफरेंट है, पॉइंट तो डिफरेंट है. वो भूत तो लेडी है, मगर वो कैसे लेडी, वो कैसे करती है, क्यों करती है, ये सब तो सस्पेंस है. सस्पेंस है. ओके, थैंक यू सो मच. ये रिकॉर्ड है, मतलब कि जो आने वाला भविष्य है, जो चला गया, जितनी मूवियाँ बनी है हॉरर मूवी में वो सबसे अलग है, मतलब रिकॉर्ड है. ओके सर, थैंक यू सर. ओके, थैंक यू सर. बिठा दीजिए ना सर. परिचय दीजिए, बताइए क्या करना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में, कैसे जुड़े हैं इस फिल्म से, थोड़ा सा जोर से बोलिए. हाई, दिस इज पद्मना भरद्वाज, मेजर डायरेक्टर. आई एम फ्रॉम साउथ. मैंने साउथ में 12 फिल्म किया अभी तक. और नेक्स्ट मेरा जो विजन से गाना सुन के डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर एंड सर एंड जो है ना, वो लोग बुला के मेरा गाना सुन के और दे इंस्पायर्ड एक्चुअली, सो फोन में मेरे को स्टोरी बता दिया. सो I am doing my level best, giving the good songs and the good visions. So you have a South background, so South mein jo music part is very strong, you know, very dingchik numbers of music, so something like that to sing in the movie? No, A film mein jo chahiye, wo main dene wala. So what kind of music are you going to be in the movie? Like, actually, let's say I'm going to depend soulful, emotional, or... No, to this is to ye horror movie hai na, horror movie to kaise chahiye to... Dark music? Yeah. Narrative? डॉट म्यूजिक नहीं, कुछ क्लासिकल है, क्लासिक बट थोड़ा कमर्शियल ऐड करके. कमर्शियल सर, बड़ा उठिए आप बताइए अपने बारे में. यूसुफ खान है और तो हम लोग पहले से दूसरे को जानते हैं, तो हम लोगों ने ऐसे राहुल भाई ने मुझे फ़ोन किया, राहुल सर ने मुझे फ़ोन किया, बोला कि सर हम एक मूवी बना रहे हैं, तो क्या आप उसे बताइए. और डायरेक्टर म्यूजिक डायरेक्टर भी बहुत अच्छे और हमारे डायरेक्टर सर भी बहुत अच्छे, तो हम लोग सब मिलकर टीम. तो यूसुफ पहली बार कोई फिल्म का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पहले भी किया आपने? मैंने पहले असिस्ट किया है, बट ये मेरा फर्स्ट है जो मैं एज ए DOP कर रहा हूँ, और इससे पहले मैंने असिस्ट किया है. ओके, तो क्या कहते हैं इस फिल्म के बारे में, कितना चैलेंज होगा इस फिल्म को? नहीं सर, इसकी स्टोरी जिस तरीके से, सर मैंने इसकी स्टोरी देखी है, इसकी स्टोरी मैंने जिस तरीके से पढ़ी है ना, तो ये स्टोरी बहुत अच्छी है और सर इसका चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है. थैंक यू.